नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर महीने के टॉपिक वाइज वन लाइनर करंट अफेयर्स आपसे शेयर करता हूं, इस वीडियो में खेलों के टॉप 10 करंट अफेयर्स हैं जनवरी 2018 के, और 10 के 10 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी एग्जाम्स में इनमें से 100% क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेज बढ़ते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। विश्व रैपिड शतरंज का खिताब किसने जीता है? ये हैं विश्वनाथन आनंद ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को रणजी ट्रॉफी खेलने को मंजूरी मिली है? बिहार को एक टीम के रूप में रणजी ट्रॉफी खेलने की मंजूरी दी है। और फ्रेंड्स, मैंने रजनेश राठी करंट अफेयर्स के नाम से अलग से करंट अफेयर्स के लिए चैनल बना रखा, उसमें डेली के वन लाइनर करंट अफेयर्स 10 शेयर करता हूँ मैं आपको। और फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है, आंचल ठाकुर ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? ये स्कीइंग में। आंचल ठाकुर किस खेल से संबंधित हैं? स्कीइंग से। और ये किस राज्य की हैं? हिमाचल प्रदेश की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, 10 इंपॉर्टेंटों में मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। और कौन सा पदक जीता इन्होंने, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इन्होंने जीता है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये 2018 के विंटर ओलंपिक जो साउथ कोरिया में होंगे, उनमें भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा, किस टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। यह है विदर्भ की टीम, और रनर अप उपविजेता कौन रही? दिल्ली की टीम। तो ऐसे पूछ सकता है कि फाइनलिस्ट कौन कौन थी रणजी ट्रॉफी की, विदर्भ वर्सेज दिल्ली के बीच हुआ था फाइनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टिबाधित विश्व क्रिकेट विश्व कप यानी ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। और किसको हराया फाइनल में? उपविजेता कौन रही? पाकिस्तान को फाइनल में हराया, भारत वर्सेज पाकिस्तान, ये फाइनल था इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 के 10 ये। और जनवरी में शुरू किया गया स्पोर्ट्स चैनल, न्यूली लॉन्च स्पोर्ट्स चैनल जो कि एक रेडियो चैनल है, काफ़ी चर्चा में हो गया था ये, स्पोर्ट्स फ्लैशेज इसका नाम है। और अगला क्वेश्चन है, पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? दिल्ली की टीम ने जीती है। और राजस्थान को फाइनल में 41 रनों से हराया सैयद मुश्ताक अली। ये T20 क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है जो कि अभी अभी समाप्ति हुई है। ये क्रिकेट की ट्रॉफी है, कोई आपसे पूछ ले कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से है। घरेलू टूर्नामेंटों के पूछ लेते हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी में दिल्ली देखो उपविजेता रही और इसमें जीती, यानी दिल्ली की टीम अब मजबूत बन रही है सभी टीमों से। और दिल्ली की टीम की मजबूती का कारण है ऋषभ पंत, T20 क्रिकेट में बाहर की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने वाले। और घरेलू टूर्नामेंट ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ही लगाया था इसने, ऋषभ पंत ने 32 गेंदों में भारत की तरफ से T20 मैचों में इससे तेज शतक जनवरी में रिकॉर्ड बनाया है ये, कोई भी नहीं लगा पाया है ये। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक दो दिन पहले रिजल्ट आया है इसका, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में उपविजेता रहने वाली भारतीय खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल, फाइनल में हार गई थी, ये रनर अप रही हैं, उपविजेता रही हैं, और विनर रही हैं ताई जू इंग का देश पूछ ले तो इसका देश होगा चिन्नी ताइपे। ये ताइवान देश है, इस पर चीन ने कब्जा कर रखा है, बहुत से देश हैं जैसे हांगकांग चीन ने, तिब्बत है, हांगकांग है, इन पर कब्जा कर रखा है। तो इन खिलाड़ियों को न तो कहीं ताइवान सही से लिखा बनेगा, कोई चिन्नी ताइपे का बताएगा, कोई ताइवान का, इनका गड़बड़ी है। और वैसे चिन्नी ताइपे ही बोलते हैं इसको, इस देश को। अगला क्वेश्चन है, कहीं चीन की खिलाड़ी भी, ताई जू इंग को चीन की खिलाड़ी भी बताएंगे। खेलो इंडिया कार्यक्रम का गान व लोगो किसने लॉन्च किया? ये इस महीने दो बार चर्चा में रहा, एक बार तो गान लॉन्च किया था, सॉन्ग लॉन्च किया था खेलो इंडिया प्रोग्राम का, एक बार लोगो लॉन्च किया था कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने, बहुत ही चर्चा में रहा था इस महीने। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, वो भी देख लीजिए, ये टूर्नामेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। इसका पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, विजेता मैंस सिंगल्स का खिताब रोजर फेडरर ने, स्विस प्लेयर हैं, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, और मारिन सिलिच को फाइनल में हराया। मारिन सिलिच किस देश के हैं, क्रोएशिया के हैं, ये पूछ ले कि फाइनलिस्ट कौन कौन थे, तो रोजर फेडरर और मारिन सिलिच, और मारिन सिलिच का देश पूछ ले एग्जाम में तो ये है क्रोएशिया। और
पूरी डिटेल के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन वाला वो वीडियो देख लें, उसमें महिला एकल का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। महिला एकल की विजेता मैं बता ही देता हूँ, कैरोलिना वोजनियाकी ने जीता है, और फाइनल में सिमोना आलेप को हराया है। डेनमार्क की हैं कैरोलिना वोजनियाकी और सिमोना आलेप हैं रोमानिया की। तो वो वीडियो भी आप देख लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसमें मेंस डबल्स के जैसे रोन बोपन्ना भी फाइनल में पूछे थे मिक्स्ड डबल्स के, हार गए थे, वो भी इम्पोर्टेंट है। और अगला है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट टीम में कौन कौन है, ये आपको बताना है। अभी मैच चल रहा है, सेमीफाइनल मैच इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, तो इंडिया के जीतने के चांसेस 100% बन रहे हैं इस मैच में। तो फाइनलिस्ट जो भी होगा, एक टीम अफगानिस्तान को हरा कर पहुँच चुकी है पहले से ही फाइनल में, तो आपको दोनों टीमों का नाम बताना है लिख के। आप तब तक वीडियो देखोगे तब तक उसका रिजल्ट आ चुका होगा। तो अफगानिस्तान फ्रेंड्स इस पहली बार किसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है अफगानिस्तान, ये इस वर्ल्ड कप की खास बात रही है। और आईपीएल नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बेन स्टोक्स और सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी जयदेव उनादकट, ये इम्पोर्टेंट तो है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपसे पूछना चाह फिर मैंने खुद ही बता दिया। तो आपके लिए ये एक ही क्वेश्चन है आज के लिए। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रोजेक्ट मेथड के फाउंडर पूछा था, तो उसका सबसे पहले जवाब दिया रमेश गोटर ने। रमेश गोटर हैं राजगढ़ चूरू राजस्थान से, सबसे पहले किलपैट्रिक इनका जवाब आया। उसके बाद सुरेश गोटर, ये जयपुर पट्ठा गांव है इनका, सादलपुर चूरू राजस्थान से हैं ये, इन्होंने लिख के बताया अच्छे से। उसके बाद नीलम रॉय, इन्होंने पता नहीं किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। उसके बाद मुकेश कुमार हैं किलपैट्रिक, फिर हैं आकाश शर्मा, और उनके बाद हैं बीरबल सोनक, ये देखिए बीरबल सोनक हैं, नेहा यादव हैं किलपैट्रिक, मोहित पिलानिया हैं, उसके बाद हैं अनुराधा शर्मा। अनुराधा शर्मा जिक्के के भी स्टार्ट कर दीजिए, तो जिक्के के भी वीडियो आपको मिलेंगे। उसके बाद हैं वीना राज, किलपैट्रिक, भंवरलाल, फिर हैं मुकेश डाका, तो ये इन्होंने सही जवाब दिया है। और सबसे पहले जवाब आया रमेश गोटर का, और आज वाले क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिए और अपने अगले वीडियो में नाम शामिल करवा लीजिए। प्लीज़ सर इनका इस प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।